कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपन ने भी देख लिए, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बात हो गई, सेक्शन फार्मूला हो गया, 10.2 एक्सरसाइज। हाँ भाई, दो वेक्टर अपने आप में कोलिनियर हैं कि नहीं है, इस पर 15, 20, 19 क्वेश्चन है। चलो बढ़िया, अब अपने लिया 10.3 10.3 के इस पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसमें 10.6.1 स्केलर पे माने डॉट प्रोडक्ट पे है तो ना भाई, पहली प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ए का बी से मल्टीप्लिकेशन, फिर अगले में ए से सी का, लैम्डा ए बी होने पर लैम्डा बार, ए बी अंदर, ए इंटू लैम्डा बी अंदर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था क्या कल? प्रोजेक्शन पढ़ा था, प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ा था दोनों, और जो कंपोनेंट भी पढ़े थे क्या? गुड है, याद है आपको? पक्की बात याद है? एक सिंपल प्रोजेक्शन वेक्टर याद है आपको? तो फिर आपको ये भी याद होगा, आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा ना, है ना भाई? हाँ भाई, चलिए बताइए। अरे यार, ये इतना सही बचा था क्या? इतना सही बचा था। अगले बार आते हैं। हाँ भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू में ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, सही है? आपको बताना है ए वन वेक्टर डॉट आई कैप, पक्की बात है? श्योर हैं? इसका मतलब आपने ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप से करा है, आई डॉट आई, बाकी दोनों जीरो, इसलिए ये लोग ए वन बोल रहे हैं। श्योर है आप? अच्छा, कल को अगर किसी ने ए वेक्टर डॉट जे कैप करा होता तो, और ए वेक्टर डॉट के कैप ए थ्री, पक्की बात है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ए वेक्टर दोबारा लिखते टाइम पे ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, मैं इस ए वन को रिमूव करके ए वेक्टर डॉट आई कैप लिखना है तो लिख सकता हूँ ना भाई मैं, क्योंकि ए डॉट आई बराबर ए वन है, याद आ गया आपको? सोचते जाना, आपने तो बताया ना ए डॉट आई बराबर ए वन है, तो ए वन की जगह क्यों नहीं लिखता, लिखता हूँ मैं। अच्छा, ए टू की जगह पे मैं लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट जे कैप, जे कैप लिख दूँ, ए वेक्टर डॉट के कैप, के कैप लिख दूँ, श्योर है? एंड दैट विल बी इक्वलेंट टू ए वेक्टर, सही है भाई? गलत तो नहीं हूँ ना मैं? तो पहली बात तो ए वेक्टर अपने आप में ही है, सही है? अच्छा, अगर आपको ये बात भी समझ में आ गई, तो अगर मैंने कहा कि मेरे को ए वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर डॉट आई कैप दिख रहा है, ए वेक्टर डॉट जे कैप दिख रहा है, और ए वेक्टर डॉट के कैप दिख रहा है, तो गलत तो नहीं है ना भाई? इसलिए नहीं तो दोबारा लिखी है, उसके सिवा तो कुछ नहीं लिखा, यहाँ तक तो बराबर हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ मेरे को डिवाइड बाई वन भी दिखने लग गया, इतराज तो नहीं है ना? श्योर हैं आप? है ना? अच्छा, जिनको ये दिख रहा है उनको ये भी तो दिख सकता है कि ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन में आई कैप का स्क्वायर, आई कैप नहीं, आई कैप का स्क्वायर भी क्या करूँ, आई कैप ऐसा कर दूँ, सोच लिया आपने, ए वेक्टर डॉट जे कैप का मॉड इंटू जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप का मॉड के कैप ऐसा का मॉड, ये कर सकता हूँ कि नहीं? ऐसा लिखना गलत तो नहीं हो जाएगा? श्योर हैं आप? और अगर आप पहचान रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, याद है आपको? किसी टाइम पे अपन ने सबसे पहले जिस दिन डायरेक्शन को साइन करा था, मैंने आपको बताया था कि जो आई कैप के आगे बैठा होता है दैट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन, याद आ गया आपको? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये अपने आप में क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, सही है ना भाई? ये भी आप दिमाग में रख के रख रही है ना? हाँ,
ए वेक्टर अपने आप में कितने तरीके से सोचा गया है, ठीक है? पहले लिख लो, ये भूल जाओगे, रिमार्क में डाल देना आप। हाँ भाई, आप में से जिन्होंने लगाई है ये 10.3, उनको पता होगा पहले दो क्वेश्चन तो एंगल पे हैं। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? cos theta, cos theta is equal to a vector dot b vector upon mod a mod b। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को cos theta का फार्मूला समेशन a1 b1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर समेशन a1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर समेशन b1 स्क्वायर याद है, तो आपको भी याद है क्या? मेरे कहने का मतलब समझे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में cos theta का फार्मूला मेरे दिमाग में समेशन a1 b1 अपॉन में अंडर रूट समेशन ऑफ a1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ b1 का स्क्वायर याद है। ये भी कोई फार्मूला है क्या? ये अपने आप में ये क्या लिखा है? मॉड ए। और ये क्या है? मॉड बी। और वो क्या लिखा है? ए डॉट बी। याद आया आपको, है ना? हाँ, क्योंकि ना तो मतलब हमारे को क्या है, हमको ऐसा लगता है क्या वो वेक्टर बहुत आता है, ठीक है ना? लेकिन सच्चाई तो दोनों को जाननी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है प्रोजेक्शन पे, जिनके पास ये है वो जानते होंगे प्रोजेक्शन का, कर लेंगे ना क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा चौथा क्वेश्चन भी प्रोजेक्शन का है। पांचवे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ कि सारे के सारे वेक्टर अपने आप में यूनिट वेक्टर हैं, कैसे बताऊं? अंडर रूट, हाँ बिल्कुल, मॉडुलस निकाल लूंगा, मॉडुलस की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अपने आप में यूनिट वेक्टर है ना भाई। और आगे ये भी बोल रहा है कि कैसे दिखाऊं कि ये सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सबका डॉट प्रोडक्ट 0 है ना भाई। अच्छा, अगला मतलब इतने बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है करने में, ठीक है? अगला कह रहा है मॉड ए मॉड बी की वैल्यू बताओ अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो जरा सोचना, ये जरूर कर लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन शीट में है नहीं, फिर क्या बच्चे को लगता है कि पता नहीं वेक्टर इतना भारी क्यों है। अरे भारी क्यों नहीं होगा यार, वहाँ तो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन इकट्ठे करें, वहाँ थोड़ी ना तेरे लिए हल्के खड़े करते हैं। ये इक्वल टू में 8 दे रखा है और मॉड ए बराबर में 8 मॉड बी दे रखा है, सही भाई? उम्मीद है हम में से कईयों को याद होगा इसकी वैल्यू, मैंने सिखाया था मॉड ए स्क्वायर माइनस दैट इज मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, सही है? इसको कितना है 8, और इसकी जगह 8 भी रख दूं तो 64 बी स्क्वायर, 63 बी स्क्वायर कर दूं, सोच लेना दैट इज 63 मॉड बी स्क्वायर इसको कितना 8, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मॉड बी आ जाएगा, मॉड बी आते मॉड ए आ जाएगा। मांगा क्या इसने? मॉड ए मॉड बी मांगा। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्या आप इसका मल्टीप्लीकेशन बता सकते हैं कि 3a वेक्टर प्लस के अंदर सॉरी माइनस के अंदर 5b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर, इसका वैल्यू बता सकते हैं आप? कितना होगा, कैसे निकालोगे? किसका किससे? a का a से, b का b से, है ना ऐसा? रुको रुको, पहले इन दोनों का 6 मॉड ए स्क्वायर, फिर इसका इससे 21 a डॉट b, सही है? इन दोनों का माइनस का 10 a डॉट b, फिर अगले का माइनस का 35 मॉड बी स्क्वायर। आगे तो सॉल्व कर लोगे? हाँ, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a डॉट b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड है इसका मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी है, सही है भाई? और आगे क्या बोलता है कि द एंगल बिटवीन देम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगला बोल रहा है 5/60 degree है, 5/3 है ना भाई? और कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी बता रहा है कि अगला कितना है, हाफ है। क्या आप नहीं कर पाओगे? इसकी वैल्यू तो कईयों को पता होगी, इट इज इक्वलेंट टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस, तो हाफ से आप कट गया, सही है ना भाई? तो इसका मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू 1, और मॉड ए और मॉड बी तो बराबर है, तो मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मॉड ए इज इक्वल टू 1, तो मॉड बी इज इक्वल टू 1। आगे बढ़िए। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही कह रहा है कि अगर बाय द वे ए वेक्टर अपने आप में यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगला बोल रहा है x माइनस ए वेक्टर इंटू में माने डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 है, अब तो आप बोल सकते हो ये कितना है? कितना, क्या बोलो? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ए वेक्टर की जगह पर तो मॉड एक्स की वैल्यू नहीं बता पाओगे। अब देखिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मतलब आपके लिए जो आप ढूंढते फिरते हो तो कभी आते ही नहीं है सर, दिखते ही नहीं है, मतलब हमारे लिए कुछ बना ही नहीं है क्या? क्यों नहीं बना है? आप इसको बनाओ ना, उसके बाद वो भी बनेगा फिर आपसे। आप पांच तो सही पकड़ो पहले, नहीं? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर जैसे ए दे रखा है 10, 10 में ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिया, अगला बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। हाँ साहब बताइए क्या करूं मैं,
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एबीसी दे रखे हैं उसने, सारे दिए हैं उसने, सही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं करना। हाँ जी साहब, अगला आगे बोल रहा है कि ये कुछ ऐसे ही डरावनी चीज लेके आए हैं, ठीक है। मॉड ए बी वैक्टर प्लस में दे रखा है मॉड बी ए वैक्टर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है मॉड ए बी वैक्टर माइनस मॉड बी ए वैक्टर के। कह रहे ये शो करो, कैसे शो करूँ बताओ, ये परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लूंगा, अगर जीरो आ रहा है तो शो हो गया, नहीं आ रहा तो मना कर दूंगा, नहीं है। हाँ और क्या शो करने का। अच्छा आगे बोल रहे हैं ए डॉट ए जीरो है, बी ए डॉट बी जीरो है, तो इससे क्या समझ में आता है बी के बारे में, कुछ भी नहीं, पक्की बात है। अगला क्या बोल रहे हैं जरा सुनना, ए डॉट ए जीरो है और ए डॉट बी जीरो है, ए के बारे में तो पकड़ में आ रहा है शायद, क्या ए जीरो है, हाँ बी के बारे में कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है, सही बात है एकदम। हाँ कई लोग सोचते हैं बी में कुछ बता ही देंगे, अरे क्या बता देंगे जब पकड़ में नहीं आ रहा तो। हाँ जी साहब, ए बी सी अपने हमें यूनिट वैक्टर है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। देखो साहब ए बी सी कैसे बताया, यूनिट वैक्टर, और साथ में बता रहे ए प्लस बी प्लस सी का वैक्टर सम इज इक्वल टू जीरो, कैसे स्टार्ट करूं, स्क्वायर स्क्वायर करके खोल दो। ए बी सी यूनिट वेक्टर माने मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर वन है, क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते, और आगे पीछे इसने एंगल भी दिया है क्या, नहीं वो तो खुद ही मांग रहा है बेचारा, ए ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए की वैल्यू, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा, कर पाओगे आप, नहीं आगे आगे छोड़ रहा हूँ आपको, आप कर लेना ठीक है, मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन करने लायक है ना, फिर भी अपने 11-12 तो चिपका ही दिए, ठीक है। अब अगला स्केलर प्रोडक्ट के बाद जो भी कौन सा है शीट, शीट में कितना काम दिया था, अभी तो 3-4 क्वेश्चन ही दिए हैं बस, ज्यादा दे दिएगा, ये तो 12 दे दी, दिखाओ क्या देता, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो शायद हमने कर लिए थे ना, 8 तक तो कर शायद कर लिए थे क्या। हाँ सर आइए क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सुन तो लो, मैं ही तो करवा रहा हूँ। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, ये कह रहे हैं एबीसी में कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है नहीं होगा, लेकिन आगे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर वो अपने आप में कोलिनियर है, किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो कैसे शुरू करूं, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, अरे ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर है तो शुरुआत में क्या लिखूंगा, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, तो ये अगर सी वेक्टर से कोलिनियर है तो इट इज इक्वलेंट टू लैम्डा सी वेक्टर, लिख दूं। आगे बोलता है कि बी वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर जो है वो कोलिनियर है ए वेक्टर के साथ, तो म्यू ए वेक्टर कर दूं। अब ये मांग रहा है कुछ ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b प्लस 6c, कर लेते हैं उसमें भी बात कर लेंगे, तब तक एक छोटी छोटी बातें आप समझिए। देखिए साहब ऐसा है, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, कर दूं, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर, ये तो हो ही गया, 2 से मल्टीप्लाई करते इट इज 2b वेक्टर प्लस में कितना 6c वेक्टर, सही है, इज इक्वल टू में 2 टाइम्स म्यू ए वेक्टर, ऐसा लिख दूं, है ना भाई, और मल्टीप्लाई करा ही इसलिए गया होगा कि जरूर कुछ ना कुछ मैं आपस में लेस करूंगा और कटेगा, उम्मीद है आपको दिख गया होगा कि मैंने माइनस करा, माइनस करते उड़ गया, तो फाइनली इट इज ए वेक्टर माइनस का 6c वेक्टर, इज इक्वल टू में रह गया लैम्डा सी वेक्टर माइनस का 2 म्यू ए वेक्टर, सोच लिया आपने। जिन्हें कंपैरिजन नाम की चिड़िया आती है वो अच्छे से जानते हैं कि सी की सी से कंपैरिजन करने पर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है, और इसका इससे कंपैरिजन करते ही म्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/2, क्या ये पकड़ में आ गया। अब आप एक छोटा सा काम कीजिए जबरदस्त था, ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिए, जैसे आप यहाँ डालोगे ये यहाँ पे फेंक देगा, फाइनली रह जाएगा ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर बराबर में माइनस का 6c वेक्टर, दिख गया, हाँ या ना, और उम्मीद है आपको इसको उधर ले जाते ही आप वहीं पहुंच जाओगे जहां आपका क्वेश्चन बन गया, सही है भाई, 6c वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्या देखा हुआ लग रहा है। हाँ साहब ये इक्वल टू 0 है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मॉडुलस भी आ गया। हाँ जी साहब क्वेश्चन नंबर 8, हाँ या ना, नहीं हुआ, अच्छा एक सेकंड अगला क्वेश्चन, एक सेकंड पहले, हाँ आप में से किसी को दिया नहीं ये इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये सब कोप लेने थे, इनका डब्बा 0, डब्बे को 0 कर देना लैम्डा फुदकता हुआ बाहर आ जाएगा, सही है ना भाई। हाँ भाई, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9,
हाँ भाई, पहली बात तो ये कह रहा है कि ये नॉन कोप्लैनर है। क्या वाकई में नॉन कोप्लैनर है क्या? एम की वैल्यूज के लिए जिसके लिए ये ए बी सी आर नॉन कोप्लैनर। एम की हर वैल्यू के लिए नॉन कोप्लैनर है। श्योर है आप? पक्की बात है? कैसे निकाला आपने? इनका डब्बा जीरो कर दिया, लेकिन डब्बा जीरो होने पे तो कोप्लैनर हो जाएगा। डब्बा जीरो नहीं हुआ, पक्की बात है क्या? क्या आपको पता है कि डब्बे के अंदर m, m प्लस वन, m प्लस, अच्छा कोई दो कट गई, हर बार कट गई। ठीक है चलो, मतलब किया है आप लोगों ने ना। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 10 दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अरे ये तो देखा देखा क्वेश्चन है। नहीं 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 वो नहीं है। हाँ नहीं, हाँ वही तो है, 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ऐसा ही तो क्वेश्चन किया था अपन ने, है ना? गुड है। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ अच्छा देखो जरा याद कर लेते हैं, एंगल बिटवीन डायगनल से पहले आपको ये पता होना चाहिए डायगनल होते क्या है। किसी को याद है ए और बी वाले पैरेललोग्राम के डायगनल? ए प्लस बी और A। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, उसके डायगनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डायगनल्स होंगे एक तो हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा वाला हो जाएगा ए माइनस बी। अच्छा ए प्लस बी तो बता दो कितना होगा, 3 और 0 और 0। श्योर है? और ए नहीं, ए प्लस बी करा है ना अपने। हाँ ठीक है, अब ए माइनस बी कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1, 2 और 2। श्योर है? अब मेरे को इनके बीच का एंगल निकालना है तो मुझे cos थीटा इज इक्वल टू में, ठीक है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके का, 3, 0, 0 और 1, 2, 2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देना चाहिए। जिनको मल्टीप्लीकेशन आता है डॉट प्रोडक्ट सिंपल पता है, 3 + 0 + 0 सोच लिया अपॉन में यहाँ पे 3 × 3। श्योर है आंसर इज 1/3। सॉरी ठीक है, हो गया क्या आंसर? तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। श्योर है? अच्छा अब ध्यान रखना, एक और बात बता देता हूँ, ये जो आंसर है इसके अंदर आंसर आया थीटा में, है ना, तो आंसर थीटा भी हो सकता है और पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। रिमेंबर इट, है ना। कल को मान लो क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट होता तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, याद है ना आपको, इधर थीटा उधर पाई माइनस थीटा, बहुत बुरे हालात में, लेकिन वो उसके मानसिक दिवालीपन की निशानी होती है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ लेकिन कर सकता है अपने साथ ऐसी छेड़छाड़। उम्मीद है आपको पता होगा। अगला कह रहा है कि ए बी सी की लेंथ, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। हाँ हो गया। अच्छा ठीक है आगे बढ़ूं, याद है ना मॉड का इलाज क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ही चालू करना, ठीक है ना। हाँ जिनसे नहीं हुआ उनको बताता जाता हूँ, स्क्वायर लिख लेना आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी शीट है अपनी जिंदगी है। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 मैं कराऊंगा भी नहीं, वैसे भी नहीं आता मुझे फोर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो शुरुआत कैसे करूं? स्क्वायर माने इसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन है ना, जो छोटू मोटू क्वेश्चन उनकी बेसिक ही स्क्वायर है, फॉर्मूला रटा हुआ बस काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। हाँ ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपको आपके सर पे ना अभी बोझ है, मैं बताता हूँ क्यों है। देखो क्योंकि आप तो फिजिक्स के बंदे हो, है ना, और आराम से थोड़ा मोटा तो झेल ही रहोगे। देखो आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखना। हालांकि करने वाले इसको बिना उसके भी कर जाएंगे, लेकिन है ना करना उचित नहीं है, बताता हूँ क्यों। देखो बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू में 0 है, ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू 0 है। आपको नहीं पता इसका मतलब एन वैक्टर जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, नहीं आया समझ में? एक्चुअल में एन वेक्टर जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। ढंग से देखो आप, अगर भाई देखा जाए ये जो चौक है ये अगर एन वेक्टर हो तो इसका मतलब ये कि ये अगर बी वेक्टर और ये अगर ए वेक्टर है तो मैंने आपको बता दिया एन वेक्टर अपने आप में ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। एन अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो एन वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी, सही है, अपॉन में प्लस माइनस, मतलब बाहर प्लस माइनस मॉड ए क्रॉस बी। याद करो आप फिजिक्स में सिखाया जाता है आपको, नहीं तो आपको बेसिकली ए क्रॉस बी करना है, नहीं है, और ए क्रॉस बी करना कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई जड़ी बूटी खा करके ए क्रॉस बी करते हैं लोग, ठीक है ना। मॉडुलस याद है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई जे के पहला ए ए ए भर दो, बी 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 भर दो, इसको सॉल्व कर लो ए क्रॉस बी आ गया, नहीं आया समझ में? और जैसे आपके पास यहाँ है उसको यहाँ पटकना डिवाइड बाई, क्योंकि वेक्टर आ जाएगा तो उसका मॉडुलस भी आ जाएगा, बढ़ते आपके पास एन वेक्टर आ जाएगा, नहीं पकड़ में आ रहा आपके? हाँ तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे को देना था क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि लेकिन इसमें डॉट लगा हुआ है ना तो सामने वाले ने इसे डॉट में डाल दिया है,
हालांकि, लेकिन अब देखो मान लो अगर डॉट में आ गया तो सर आप डॉट में कर नहीं सकते, करने वाला देखो सब कर लेगा, करने वाला इसको इंटीग्रेशन से भी कर ही डालेगा, ठीक है। हाँ, कोई सदी जाए कि भाई इसको इंटीग्रेशन से करूंगा यार मैं आज, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से भी कर रहे हैं ना। वाह, तो अगर बाय द वे इसको समझा जाए तो करने वाले ने जरूर ऐसा भी किया होगा। एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर बेसिकली, आपने ध्यान से देखा हो तो, देखा क्या आपने? अभी रुको जरा, एक और अच्छी बात है। हाँ एक मिनट, आपके वाला तो इलाज ही अलग है, आपने तो अलग अलग सोचा है। एक मिनट बता दो, इन्होंने क्या बदमाशी करी बता दो, ठीक है। ये अब देखो, आपने ध्यान से देखा, ये एन वेक्टर नहीं होता, आपने फिजिक्स के फॉर्मूले रटे हुए नहीं है, आपको होते तो शायद थोड़ा सा आपकी भ्रकुटियत न जाती। ये एन कैप होता है, लेकिन वो क्योंकि एन वेक्टर अपने यूनिट वेक्टर दिया था इसलिए ये सेट हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो सर अगर एन वेक्टर होता तो कुछ नहीं, लैम्डा और लगा लेते। अरे अरे लैम्डा और लगा देते, एक यूनिट वेक्टर और उसके ओरिजिनल वेक्टर में क्या फर्क है? लैम्डा टाइम्स स्ट्रेच मार दे, नीचे कर दे, खत्म बात। यूनिट वेक्टर और उसमें कोई फर्क ही नहीं होता बेसिकली, उसकी लेंथ में ही फर्क होता है। हाँ या तो छोटा होगा यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर बड़ा होगा, लैम्डा टाइम्स अपने आप एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली लोगों ने, अच्छा अभी इन्होंने क्या बदमाशी करी, एक मिनट बताता हूँ। इन्होंने ए और बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए जानबूझ करके एन वेक्टर को के कैप मान लिया है ना, यही शैतानी करी होगी ताकि है ना खाम ही खत्म हो जाए। अच्छा नहीं है तो अब उसके बाद में आप भी कर लेना, आप भी ट्राई मार लेना, क्योंकि अब ये कितनी चेता नहीं कर सकते हैं, तो आप कौन से कम हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए बी सी तीनों तीन यूनिट वेक्टर हैं और ए बी के पैरेलल है, पैरेलल आ रहा है क्या? आंसर डी है किसका, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या इस, हाँ कैसे सोचा था ने? एक सीन थ्री ए वेक्टर प्लस में, एक मिनट सोचता हूं मैं भी, फोर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस फाइव सी वेक्टर, ऐसा लिया तो फिर, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूं, लेकिन सोचा ऐसा सोचने की, अरे ऐसा सोचना भी है, अगर चालू भी किया तो भी काम लगाया इसने। अगर अपन इसको ऐसे कैसे भी करके लगा लेते ना, तो डिवाइड बाई सेवन करते ही इधर वाला सेक्शन फार्मूले में आता था, लेकिन वो बैठा नहीं अपना। हाँ मेरे को लेकिन अच्छा लगा आइडिया कि किसी ने सेक्शन फार्मूला सोचा, ये भी बहुत बुरा नहीं है। एनीवे एबीसी अपने हम यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर वन है, उम्मीद ये कर लिया होगा। 3a प्लस के अंदर कितना, 4b प्लस के अंदर 5c इक्वल टू में 0, यही दे रखा है। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करा क्या आप लोगों ने? अरे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करा था क्या? अब ये कह रहे हैं a वेक्टर अपने हम बी वेक्टर के पैरेलल है, ऐसा होने पे a और b आपस में पैरेलल लग रहे हैं क्या आपको? बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ ना तुम। काम चले गए सब लोग। अरे पहली बात तो स्क्वायरिंग विस्क्वायरिंग करी किसी पर लगने? हाँ या ना करी क्या? नहीं करी तो ये 9 है प्लस के अंदर 16 है प्लस के अंदर 25 है, इतना तो पक्का कर लो, ये तो 50 तो इसके हो गए। नहीं है प्लस के अंदर अगर देखा जाए तो 24 ए डॉट बी हो गया होगा, सही है भाई। प्लस के अंदर कितना बता रहे हो आप लोग? 40 बी डॉट सी हो गया, और प्लस के अंदर 30 ए डॉट सी हो गया। हाँ या ना, इक्वल टू 0 तो हो ही गया, इसके 50 पक्के कर दूं। अब अगर मान लेते हैं एक बार के लिए ये जो भाई है ये सही कह रहा है ए और बी आपस में पैरेलल है, अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल होते, ए और बी ही अगर पैरेलल होते, तो फिर इसका मतलब सी का रोल ऐसा होना चाहिए था कि सबका आंसर 0 हो जाता। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो विद्वान आदमी है सही कह रहा है, बी जो है बराबर में लैम्डा कर लेता हूं। अरे और भी पैरेलल है ना पहले ऑप्शन से, तो मान लेते हैं एक बार अच्छा आदमी है सही कह रहा है भाई, तो यहाँ पे कर देता हूँ लैम्डा इंटो ए कर दूं, तो ये मॉडे कर देता हूँ और मॉडे होते ही 1 हो गया, तो ये 24 लैम्डा हो जाएगा। नहीं है? अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या अपन? यहाँ पे भी लैम्डा ए कर दूं, बोलो 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 जल्दी, लैम्डा ए कर दूं। हाँ बहुत स्लो चल रहे हो, ये कितना हो गया 50, इसका 50 अलग कर दूं, प्लस के अंदर 24 लैम्डा अलग कर दूं, सही है। प्लस के अंदर इन दोनों में ए वेक्टर कॉमन ले लूं, किधर क्या कुछ कोई क्लूलेसली बढ़ रहे हैं, मतलब आप ध्यान से देखो है ना, बकवास सा तरीका कुछ 30 सी वेक्टर, ये क्या ये कैसे 0 हो जाएगा? नहीं आया समझ में? इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होने का कोई सिचुएशन नहीं है,
अच्छा ए और बी अगर परपेंडिकुलर भी हो जाते हैं तो भी ज्यादा ज्यादा किसको ठेस पहुंचती, ये जीरो हो जाता और बाकी सब लटक जाते, क्या उससे कोई वेक्टर आपस में जीरो होने का कोई चांसेस है क्या? नहीं, अंटिल अनलेस ये कोई ऐसी बात नहीं बोले जिसमें हम हां भर दें एकदम से। जैसे उसने बोल दिया ए और बी के बीच का एंगल ये है, बी और सी के बीच का एंगल ये, और सी और डी के बीच का एंगल ये है, और पता चला 50-50 कट गया, तब तो मैं हां भर दूं, वरना ऐसे बोल के चला गया ए और बी पैरेलल है, यू नहीं चलती साहब। तो आप में से कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पता नहीं हो सकता है किसी एक केस में हो जाए। अरे वो किसी एक केस में हो जाए तो पहले बात पूरी बोले तब अपन हां भरेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं आपकी चुप्पी नहीं समझ पाया, आपने किया नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, तो आपका दर्द क्या उठा है, समझ में नहीं आया? अरे क्लूलेस है ये, आधी अधूरी बात बोल रहा है, कुछ एक छोटी सी बात बोल दिया, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू 5b वेक्टर है, अब इससे थोड़ी ना सारे मामले को सेटल कर लिया जाएगा। पूरी बात बोलेगा तब अपन हाँ भरेंगे, अदरवाइज इट इज नन ऑफ दीज में, ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ इसके बारे में, ना मैं हाँ भर रहा हूँ ना मैं ना भर रहा हूँ, बात पूरी बोलेगा तब मैं यहां पर दूंगा। हो सकता है किसी एक पैरेलल के केस में भी आंसर बैठ जावे, नहीं आया, लेकिन उस केस में भी ए और बी के पैरेलल होने से काम नहीं चलेगा, बी और सी में भी कोई ना कोई रिलेशन आना चाहिए, नहीं यही बात समझ में? हाँ, तो अगर देखा जाए तो मैं ऐसा मना भी नहीं कर रहा कि ए और बी पैरेलल नहीं है, बट ए और बी पैरेलल होने के बाद बी और सी के बीच का रिलेशन भी तो बोल भाई, वो तो बात पूरी कर। तो अभी अपन अपनी तरह से नन ऑफ दीज वाले केस में खड़े हैं कि ऐसा कोई बकवास नहीं सुनी हस्ती, ठीक है। हाँ भाई, अगला एक्सरसाइज 2 मैंने आपको दिया था कि एक्सरसाइज 2 अभी मैं बाद में करूंगा एक्सरसाइज 2, क्यों? क्योंकि है ना, देखो है ना, मैं वो डब्बा लेके आऊं फिर वो वापस रह जाएगा मेरे पास,